इस वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को NSIT अ प्लेस टू इमेजिन इन्वेंट एंड इंस्पायर NSIT अम्हारा बिहटा पटना। बिहार के बक्सर का दिलचस्प इतिहास रहा है। यहाँ प्रथम युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच 26 जून 1549 को बक्सर स्थित चौसा के मैदान में लड़ा गया था। लेकिन अब यहाँ लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और गठबंधन उम्मीदवार के जगदानंद सिंह के बीच लड़ी जा रही है। बिहार के पश्चिम भाग में गंगा नदी के किनारे स्थित बक्सर शहर का सियासी और धार्मिक महत्व रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेतीबाड़ी पर आधारित है। प्राचीन काल में बक्सर का नाम व्याघ्रसर था क्योंकि उस समय यहाँ पर बाघों का निवास हुआ करता था। बक्सर में गुरु विश्वामित्र का आश्रम था और आपको बता दें कि यहीं पर राम और लक्ष्मण का प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण भी हुआ था। 11 साल के लंबे आंदोलन के बाद 17 मार्च 1991 को बक्सर को जिला बनाया गया था। इस दौरान कई लड़ाई लड़ी गई। लड़ने वाले उत्साही लोगों में करीब 18 प्रमुख लोगों की मौत हो गई थी। 1980 से लेकर 1990 तक में बक्सर वासियों ने 5 बार बक्सर बंद कराया, जो अभूतपूर्व रहा, और उससे सरकार की कुंभकर्णी निद्रा टूटी और फिर बक्सर को जिला का दर्जा मिल गया। बक्सर पटना से लगभग 172 किलोमीटर पश्चिम और मुगल सराय से 109 किलोमीटर पूर्व में पूर्वी रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। यह एक व्यापारिक नगर भी है। बक्सर में बिहार का एक प्रमुख कारण भी है जिसमें अपराधी लोग कपड़ा आदि बुनते और अन्य उद्योगों में लगे रहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। सुप्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई सुजाउद्दौला और काशिम अली खां की तथा अंग्रेज मेजर मुंडरो की सेनाओं के बीच 1764 में लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इस युद्ध में सुजाउद्दौला और काशिम अली खां के लगभग 2000 सैनिक डूब गए या मारे गए थे। बक्सर स्थित यह गांव विशेष रूप से प्राचीन ब्रह्मेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। यह मंदिर मोहम्मद गजनवी के समय से यहां स्थित है। मुगल शासक अकबर के समय में राजा मान सिंह ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आती है। कमल सिंह यहां से पहले सांसद थे जिन्होंने साल 1952 का पहला आम चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ा था। यहां आजादी के बाद हुए आम चुनावों में करीब 3 दशक तक कांग्रेस पार्टी का इस सीट पर एक तरफा राज्य रहा, क्योंकि 1952 से 1984 तक के चुनाव में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब 1977 में भारतीय लोकदल के टिकट पर रामानंद तिवारी चुनाव जीते थे। रामानंद तिवारी भोजपुर इलाके के कद्दावर समाजवादी नेता थे और कई बार विधायक व बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। 1989 के लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस का पत्ता यहां से बिल्कुल साफ हो गया। 1989 में इस सीट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के तेज नारायण सिंह चुनाव जीते थे। 1996 के चुनाव में यहाँ पहली बार कमल खिला और लालमुनि चौबे यहाँ के सांसद चुने गए और वो लगातार 4 बार यहाँ से सांसद रहे, यानी कि 1996 से लेकर 2004 तक इस सीट पर बीजेपी का ही राज रहा। लेकिन साल 2009 के चुनाव में भाजपा से ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के जगदानंद सिंह ने छीन ली और वो यहाँ से MP बने। लेकिन आपको बता दें कि साल 2014 के चुनाव में एक बार फिर से बाजी पलटी और बीजेपी ने यहाँ बड़ी जीत दर्ज की और अश्विनी चौबे यहाँ से जीत कर लोकसभा पहुंचे। 2014 चुनाव में सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 16,40,567 थी। इनमें से 8,88,204 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। इसमें 4,93,930 पुरुष और 3,94,274 महिला मतदाताओं की संख्या थी। बक्सर को सवर्ण बाहुल्य सीट कहा जाता है और ब्राह्मण वोटरों की अच्छी संख्या है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में लोगों ने अधिकांश तक किसी सवर्ण या ब्राह्मण उम्मीदवार को जिताया है और अश्विनी चौबे बाहरी होने के बावजूद इस सीट से सांसद बन पाए। इस बार के हालात पिछले चुनाव से अलग हैं। इस चुनाव में बीजेपी JDU साथ साथ हैं, जिसकी वजह से राजद की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं बीजेपी की जीत इस बार केवल जातीय समीकरण पर नहीं बल्कि विकास फैक्टर पर भी निर्भर करेगी, क्योंकि बीजेपी और अश्विनी चौबे ने विकास के ही नाम पर यहाँ की जनता से वोट मांगा था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बक्सर की जनसंख्या 24,73,959 है, जिसमें से 92% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और 7% आबादी शहरों में रहती है।